आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी सही खबर। आज हम मां सीता की धरती से चलकर वैशाली जिला के अंदर हाजीपुर अनुमंडल हाजीपुर ब्लॉक के अंदर आए हैं एक ऐसे वायरल बुआ के पास जो विराज वायरल बुआ है जो इन दिनों काफ़ी चर्चित है। वीडियो के अंदर पूरे YouTube पे विराज ही विराज यही सिर्फ दिख रहा है। जो स्कूल में तीसरी या चौथी क्लास का ये छात्र है जो स्कूल के कौन से क्लास का ये छात्र है हम खुद इससे जानेंगे। पहले इससे हम जान लेते हैं कि बाबू तेरा सही नाम क्या है, खुद अपनी जवानी बताओ था। विराज कुमार। विराज कुमार कौन से स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। कैमी क्लास में पढ़ता है? तीसरा क्लास में। तो तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? राजीव रंजन। राजीव रंजन जी को आप बोले थे? हाँ। क्या बोले थे? पैसा देते हैं तो आते हैं, फ्री में नहीं आते हैं। फ्री में नहीं आते हैं ऐसा काहे बोले थे? हमको कहा तुम ट्यूशन में से जाओ तो हम बोल दिए। तुमको बोले कि ट्यूशन में से जाओ न तो पैसा लेके आओ? पैसा लाने के लिए बोले थे? कहा था कि तुम ट्यूशन में से जाओ। ट्यूशन में से जाओ का है? गाली दे दिए थे। बताइए, आपको पता नहीं है कि टीचर बाप समान होता है, अपने पिता को गाली देना अच्छी बात है? नहीं है। तो जानते हुए भी गाली दे दिए थे? अच्छा, हमको गुस्सा आया तो हम दे दिए। अगर गुस्सा आएगा, अगर आपकी मम्मी आपको मारेगी तो आप मम्मी को भी मारोगे? ऐसी पूछ रहे, बोलिए ना। नहीं तो ऐसी जो है ना, अपने टीचर का भी सम्मान करना चाहिए था। अगर वो बोले कि पैसा लेकर के आओ, आपके पास पैसा नहीं था तो आप बोलते कि सर पैसा मेरे पास नहीं है, हम गरीब बच्चा है, आप हमारी सहायता कीजिए, हमको आप पैसा दीजिए ताकि हम पढ़कर जो है ना आपकी तरह बनेंगे और 10 छात्रों को हम भी उसी तरीके से आपकी तरह सिखाएंगे। और इन दिनों आपका जो गाना चल रहा है वो कौन सा गाना है, जरा गा करके दर्शकों को बता दीजिए। जरा जोर से, मास्टर अबा इलोरा लहसुन पढ़ाता। यही बात। और आगे के याद नहीं है हमको, अभी याद नहीं खे। कहो ना, कहो ना। बोलो। तुम्हारा अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिया जाएगा, तुम अच्छे से पढ़ोगे। कौन पहले कराता है जो बोलता है? कराएंगे। इतना दिन से इतना मीडिया वाला आ रहा है, कौन करा देता है एडमिशन? है इंटरव्यू लेके जाता है बस। हाँ, अपना कमाई कमाने के लिए नहीं। इस गरीब बच्चे ने जो आवाज उठाई है कि जितने भी पत्रकार महोदय आते हैं और अपनी कमाई के लिए, अपना जेब भरने के लिए, अपना व्यूवर्स बढ़ाने के लिए वीडियो बना करके विराज के पास से चले जाते हैं, लेकिन इसके समस्या का समाधान नहीं निकाले, इसलिए ये बच्चा गुस्से में है। चलो तुम गाना वो सुना दो, तुम्हारा एडमिशन कराएंगे हम, अभी करवा करके जाएंगे, बात कराएंगे। तुम गाना गाओ ना, पूरा गाना गाओ। जो गाना याद है वही वाला गा दो। एक मिनट खाली, सुना। सुना जोर से, सुना। हैप्पी न्यू ईयर गाड़ी दी, इसलिए बदला है वायरल विराज है, इसलिए सब परेशान है। मेहनत करके अपना टैलेंट दिखाएंगे, ईमानदार बन के भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। युवा बेरोजगार है, नेता माले माल है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। वाह वाह, क्या बात है। इस बच्चे ने सही कहा है कि युवा बेरोजगार है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इस बच्चे ने नीतीश कुमार को बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहित किया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बच्चे का समाधान इस समाधान यात्रा से निकलता है कि नहीं। बच्चे, आप मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहते हैं क्या? तो हाँ,
कुटाठी बन गए है, बाकी नेता बन गए है, बाकी कहियो नहीं आते है देखने। कहियो नहीं आते है देखने? हाँ, इतने कहियो नहीं आए है, कहियो नहीं। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री है खास खाली तोहरा लेल आई बात मिले के लेल, और बच्चा सब ना है पूरे राज्य में तो बच्चा सब सबके ना निवारण करे के है। हाँ, हाँ, तो सब बच्चा जो सब वीडियो देख रहा है सब बच्चा के लेल अहाँ कथि कहब? हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि यहाँ जाके देखिए रुतबा, मेरा गांव का रुतबा देखिए। नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार जी के कहना चाहते हैं कि यहाँ के पूरे गरीब बस्ती के औकात देखिए कि इतने कितना औकात है। ये भी कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान भी आइए थे, आए थे, बुला रहे हैं, चाहता है, बुलाना चाह रहा है बच्चा। अच्छा, आप अपना पूरा नाम बता दो। विराज कुमार पासवान। और पिता के? मंटू पासवान। और गांव के? डालपुर तारा। हाँ। और वार्ड का नंबर है? 14 नंबर। और पंचायत? दयालपुर। और प्रखंड? हाजीपुर। और अनुमंडल? हाजीपुर। और जिला? जिला बैशाली। देख लीजिए बैशाली जिला का बच्चा आई है, इसको ना भूलिएगा। आप भूलिएगा तो वैसे ही आपको फिर गाली देगा, आप भूलिएगा तो झूला पे झूलिएगा। लेकिन एकरा के कोनो ना झुलाई है बाबू, का है कि लड़कवा बड़ी तेज बा। तो आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस बच्चे के अंदर इतनी हौसला है, इतनी क्षमता है कि अगर ये बच्चा ऐसे गरीब बच्चे जितने भी है अब पूरे देश में, हम तो अपने राज्य के बारे में ही नहीं कहेंगे, पूरे देश के बारे में कहेंगे कि अगर ऐसे बच्चे, नादान बच्चे जो कुछ जानते नहीं हैं और ये पढ़ना चाहते हैं, तो हम जैसे पत्रकार को या सारे लोगों को, आम नागरिक को भी आगे आना ही होगा और ऐसे बच्चों के लिए मदद के लिए हाथ सबको बटाना ही होगा, क्योंकि आवाज़ किसी न किसी को बुलंद करना होगा। अब अगर ये बच्चा आवाज़ को किसी भी तरीके से बुलंद किया है तो उसको नेगेटिव या पॉजिटिव ले, क्योंकि नेगेटिव न सोचे, क्योंकि ये बच्चा है, इस बच्चे को पता नहीं था। अगर पता होता कि अपने पिता के साथ ऐसा सलूक किया जाता है या ऐसी बदतमीजी की जाती है तो ये बिल्कुल नहीं करता। क्या विराज, अगर तुमको पता रहता कि मास्टर साहब हमारे पिता समान होते तो ऐसा करते नहीं? करते नहीं। बिल्कुल नहीं करते, ये स्वीकार आज कर लिया है। बताइए तो आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप इसी तरीके से ताज़ा तरीन अपडेट न्यूज के लिए आप बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।